जय गुरु गोरखनाथ। कई बार ऐसी समस्या सामने आती है, जैसे लव मैरिज में बच्चे शादी आपस में मिलके करना चाहते हैं, वो लीगल एज उनकी हो गई है, लेकिन फिर भी या तो लड़के के परिवार वाले उनके बड़े या फिर लड़की के परिवार वाले उनके बड़े जो है वो सहमत नहीं होते हैं, और इसके लिए फिर वो कांटेक्ट करते हैं कि वशीकरण करवा दो पुत्रों पर, माँ पर, पापा नहीं मान रहे, माँ नहीं मान रही, इस तरह से कुछ। तो आज एक ऐसी ही सरल लेकिन एकदम अचूक विधि मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी इजी है। ये सामने देख रहे हैं आप, ये माता के नवरात्रे की विधि है, जो कि नवरात्रे अभी चल रहे हैं, आप सब इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो या तो जो स्वयं माता के नवरात्रों का व्रती हो, या फिर जो नवरात्रि का व्रती है वो खुद ही ये जो कलश है जल का, इसे आपको अर्पित करे, यानी कि आपको दे दे। उसके बाद आपको जो भी बात मनानी हो अपनी माँ को, अपने पापा को, इस कलश का जो जल है उसको संजो कर रखेंगे, संभाल कर, और उसमें से एक चम्मच आप उनके चाय में, सब्जी में या रस्सी इत्यादि में मिलाकर उनको देते रहें, और प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी बात बोलते रहें। 100% नहीं, 100% काम करेगी। ये तो हुआ एक तरह से वशीकरण का। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो इस जल को आप जिस तरह मैंने देना बताया है उसी तरह उस रोगी को देंगे, तो उसमें भी सो नहीं, पूरा 101% काम करेगी और बहुत ही जल्दी वो हेल्दी भी होगा। तो आप ये छोटी सी विधि, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, और नवरात्रों में आप 2 दिन के नवरात्रे भी करते हैं, कई भाई कई बहन, तो उसमें भी ये विधि काम करेगी, यानी सप्तमी और अष्टमी। तो आप ये अवश्य करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। जय गुरु गोरखनाथ।